आई थिंक कुछ लोग हैं जो ऑब्वियसली हेड़ा बन के पेड़ा खाते हैं और खुद भी मेंटल बन के रहते हैं, दूसरों को भी मेंटल, सो वो सब एक अलग पूरा ज्योमेट्री है वो इंडस्ट्री का. सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट. ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन पूछ लिया आपने. यू नो जो गोल मोल आप मुझसे हमेशा पूछेंगे तो मैं हमेशा जवाब दूंगी. मुझे नहीं लगता कि मैं क्या कहूँ अगर मैं ना कहूँ, और अगर ना कहूँ तो क्या कहूँ. सुपरस्टार आमिर खान और करीना कपूर स्टारर अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा रिलीज से पहले बॉयकॉट कंट्रोवर्सी में फंस गई है, लेकिन कंगना रनावत ने ये दावा करके धमाका कर दिया है कि इन कंट्रोवर्सीज का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद आमिर खान है. Well, yes, लाल सिंह चड्ढा की रिलीज को लेकर फैली नेगेटिविटी का क्यूरेटर कंगना ने खुद आमिर खान को बता दिया है. कंगना रनावत ने हैशटैग बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा कॉन्ट्रोवर्सी पर अपना बोल्ड ओपिनियन दिया है. आमिर खान को घेरते हुए कंगना ने खुद आमिर को ही इस कंट्रोवर्सी का मास्टरमाइंड बताया है और ये दावा किया कि फ्लॉप के डर से खुद आमिर ऐसी कंट्रोवर्सीज को हवा दे रहे हैं. कंगना ने अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखा, आई थिंक ऑल द नेगेटिविटी अराउंड अपकमिंग रिलीज लाल सिंह चड्ढा इज स्किलफुली क्यूरेटेड बाय मास्टरमाइंड आमिर खान जी हिमसेल्फ. दिस ईयर नो हिंदी फिल्म्स हैव वर्क्ड बारिंग वन एक्सेप्शन ऑफ अ कॉमेडी सीक्वल. ओनली साउथ फिल्म्स डीपली रूटेड इन इंडियन कल्चर और विद लोकल फ्लेवर हैव वर्क्ड. अ हॉलीवुड रीमेक वुड नॉट हैव वर्क्ड एनीवे, बट नाउ दे विल कॉल इंडिया इनटॉलरेंट. हिंदी फिल्म्स नीड टू अंडरस्टैंड द पल्स ऑफ ऑडियंसेस. इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ हिंदू और मुस्लिम. इवन आफ्टर आमिर खान जी मेड हिंदूफोबिक पीके और कॉल्ड India intolerant, he gave biggest hits of his life. Please stop making it about religion or ideology. It takes away from their bad acting and bad films. वैसे खुद आमिर भी लाल सिंह चड्ढा के खिलाफ चल रहे नेगेटिविटी कैंपेन पर बात कर चुके हैं. एक रीसेंट प्रमोशनल इवेंट में आमिर ने कहा, यस आई फील सैड, ऑल्सो आई फील दैट सम ऑफ द पीपल हु आर सेइंग दिस इन देयर हार्ट दे बिलीव दैट आई एम समवन हु डजंट लाइक इंडिया इन देयर हार्ट्स दे बिलीव बट इट इज अनट्रू इट इज रादर अनफॉर्चुनेट दैट सम पीपल फील दैट वे दैट्स नॉट द केस प्लीज डोंट बॉयकॉट माय फिल्म प्लीज वॉच माय film. Well, ये पहली बार नहीं है कि आमिर की आने वाली फिल्म विवादों में है. पीके के रिलीज से पहले भी बॉयकॉट की बातें हुई थी, लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ और फिल्म सुपरहिट साबित हुई. आमिर के फैंस तो यही उम्मीद करेंगे कि आमिर खान का वही जादू एक बार फिर बिग स्क्रीन पर नजर आ जाएगा. जो हमको बोलना है हमने फिल्म में बोला. आप फिल्म देखिए, फिल्म देखिए.